कर दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन धीरे धीरे करके सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आज बात होगी। उससे पहले वेलकम टू आवर डिजिटल्स क्लास। हमारे डिजिटल्स क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में DELED कहते हैं, जो NIOS से जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों कोर्स 501 जो है भारत में प्राथमिक शिक्षा के बारे में जो था उसका जो असाइनमेंट था 501, उसी का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा था, जिसमें से पहले कुछ पार्ट लोड हो चुका है। आज उसका अगला पार्ट लोड होने वाला है, तो आप इस वीडियो के साथ अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपको असाइनमेंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो में आपको सॉल्व करके देंगे। प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से उत्तर में आपको दे के देखेंगे। यह जो उत्तर है मेरे सोचने के अनुसार है, आप इसमें कुछ थोड़ी बहुत जरूर मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमारा वीडियो लाखों स्टूडेंट जो है देखते हैं। तो अगर आप इसी को कॉपी करके छाप दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो क्या होगा कि सबका एक ही जैसा बन जाएगा। हालांकि आप इसी को, यदि आपको कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो आप इसी को भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ अपने से मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेटर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या रखा हुआ है? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हम लोग कोर्स 501 का असाइनमेंट का सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सत्र कार्ड जो है वन, यानी असाइनमेंट वन का क्वेश्चन नंबर एक जो है, क्वेश्चन नंबर पहला, आप किस प्रकार महसूस करते हैं, इसका क्वेश्चन के आंसर हम लोग पहले वीडियो में दे चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जरूर जा चले जाए और इसका आंसर जरूर आपको पता मिल जाएगा। यदि आप अपना असाइनमेंट को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपना असाइनमेंट को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इसके बाद का सॉल्विंग क्या है। तो सबसे पहले हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, अपने आसपास के कुछ विद्यालयों का सर्वेक्षण कीजिए तथा प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों की सूची तैयार कीजिए। इन मुद्दों के समाधान हेतु तरीके सुझाइए। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है धीरे धीरे करके सारा जो है बताया जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का 2 नंबर का आंसर, पहला क्वेश्चन के आंसर का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। आइए इसका दूसरा का जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोर्स 501 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। अपने आसपास के कुछ विद्यालयों का सर्वेक्षण कीजिए तथा प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों की सूची तैयार कीजिए। इन मुद्दों के समाधान हेतु तरीके सुझाइए। यहाँ पर ध्यान देखिए कि हमारा जो है A4 साइज का पेपर, फुल पेज जो जिसको बोलते हैं, A4 साइज का क्लासमेट का यूज किए और रूलर का यूज किया गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेन का अगर बात करें तो मैंने ब्लू से क्वेश्चन लिखा और उत्तर जो है ब्लैक से लिखा। आप इसको बदल सकते हैं, सेम कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। फिर से एक बात दोहरा दें, यह हम अपने सोचने के तरीका से लिखे हैं। आप क्या सोचते हैं वो आप अपने तरीका से बता सकते हैं। इसी चीज़ को चाहिए तो इसी चीज़ को आपके लिए सही आंसर हो जाएगा, बट कुछ थोड़ी सी जरूर मॉडिफिकेशन कर दे, आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा, आपका असाइनमेंट बहुत ही बेटर बन जाएगा। तो चलिए आइए इसको बारी बारी से पढ़कर आंसर जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपको मे भी अच्छा से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो एक बार अगर हम पढ़ के बता दें तो मे भी आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। तो आइए धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी इस वीडियो को देखें तो हाई क्वालिटी में करके देखें, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ कोई भी चीज़ को जो है अगर कम क्वालिटी पर अगर आप देख रहे होंगे तो वीडियो जो है, यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है
हिंदी जो लिखा हुआ आप नहीं पकड़ पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका उत्तर जानते हैं कि क्या है। सो आंसर है, एक दिन की बात है जब मैं सुबह सुबह नाश्ता करके अपने घर से निकल रहा था और रास्ते में ही कुछ स्कूल आता है, तो मैंने सोचा कि आज इन स्कूलों में जा के देखता हूँ कि वहाँ का हाव भाव कैसा है। जब मैं एक विद्यालय में प्रवेश किया तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन ना तो लाइट और ना ही पंखा की व्यवस्था थी। मैंने वहाँ पर कुछ नहीं कहा, फिर जब मैं और एक स्कूल में पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने का सही तरीका नहीं पता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे मानव समुदाय का छात्र जीवन प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक छात्र का जीवन का सबसे सुंदर भाग है, यह अंगूठी में नगीने के समान है। यह वह नींव है जिस पर समूचे जीवन रूपी भवन का ढांचा टिका रहता है। यदि नींव कमजोर है तो समूचा भवन कमजोर हो जाएगा। इसीलिए नींव का मजबूत बनाना परम आवश्यक है। यही विद्यार्थी का सही समय होता है जब नैतिकता, चरित्र एवं सुंदर आचरण के बीज बोए जाते हैं। यदि इन जीवन की उपेक्षा की जाती है तो संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। ये तो थी एक बच्चे को किस तरह से तैयार किया जाए। और भी कुछ, दूसरा पेज में जा रहे हैं, और भी कुछ विद्यालय में जाकर हाव भाव देखा तो सबसे ज्यादा मुद्दा इस बात को लेकर निकली कि हमारे देश में गरीबी होने के कारण अच्छे स्कूल में ना पढ़ाने हेतु समस्या आ रही है। आइए इस प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित बातों का सूची तैयार करते हैं, फिर बारी बारी से उन सभी का समाधान भी मैं अपने तरीका से करूंगा। नंबर एक, जनसंख्या विस्फोट। जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने के कारण शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार तथा विद्यालयों के नेटवर्क के बावजूद देश में शिक्षा प्रत्येक बालक तक नहीं पहुंच पाई। विकास की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से पीछे रही। जैसा कि आपको भी पता होगा कि तीव्रता से आई वृद्धि से जीवन की सभी आयामों में समस्या उत्पन्न हुई है। इसका समाधान क्या होगा जानते हैं। समाधान, जनसंख्या पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि शिक्षा का भविष्य अच्छा हो सके। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही खास बात है, जब हम लोग पॉइंट को यहाँ पर डील कर रहे हैं तो पॉइंट को डील करेंगे तब इसका जो आंसर इसी लाइन पर कभी भी लिखना स्टार्ट नहीं कीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, यहाँ से लिखे ना तो इसी लाइन से ही लिखना स्टार्ट कर देते। आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। इस लाइन को लिखें पॉइंट को तो इस लाइन को पूरा ब्लैंक छोड़ दे, चाहे जहां तक भी जाए उसके सेकेंड लाइन से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखें। तो चलते अगला, दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट, गरीबी के कारण शिक्षा में कमी। जैसा हम जानते हैं कि हजारों ऐसे माता पिता है जिनके लिए अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना आर्थिक रूप से उनके वश की बात नहीं है। उनके बच्चों को जीवन यापन के लिए छोटी उम्र में ही काम पर भेजना
उनकी विवशता है। वे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिला पाते। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग दूसरा पॉइंट को स्टार्ट करेंगे तो इसके बीच में एक लाइन का डिफरेंट जरूर होना चाहिए ताकि अच्छा पॉइंट को दिखे। चाहे क्यों ना हे या हो में ही एक ही वर्ड में ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, फिर भी एक ही लाइन का डिफरेंट होना चाहिए। इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। आइए चलते अपना पॉइंट को डील करते हैं आगे की ओर। समाधान में क्या लिखा हुआ है, हमारे देश के सरकार को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर को सुधारना चाहिए जिससे सारे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का लाभ मिल सके। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, संप्रेक्षण का अभाव के कारण प्रारंभिक शिक्षा में कमी। एक ओर जहां सुदूर पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियों तथा लोगों के बीच संप्रेक्षण का बड़ा भारी अभाव होता है, इन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कोई आसान पहुंच नहीं होती है। स्थानीय एजेंसियों तथा गैर सरकारी संस्थाएं भी इस स्थिति में नहीं होती है कि वे ऐसे कठिन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कर सके। अंततः यह कहा जा सकता है कि ऐसे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आइए इसका समाधान जानते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है। इस तरह के क्षेत्रों में भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकार को एक कदम बढ़ाना चाहिए ताकि इन्हें भी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। चौथा पॉइंट क्या कहा जा रहा है देखते हैं, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक शिक्षा। जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि गरीबी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव में बहुत से माता पिता अपने बच्चों को खेतों पर कार्य करने के लिए भेज देते हैं जिससे उनकी प्रारंभिक शिक्षा नहीं हो पाती है। समाधान, प्रत्येक माता पिता को समझना चाहिए कि आज के युग में पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे अव्यय तथा प्रतिरोध में प्रारंभिक शिक्षा। जैसा कि प्राय यह देखा गया है कि बच्चे स्कूल में नाम तो लिखा लिए जाते हैं पर वे किसी न किसी कारण से बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, जिसके कारण बच्चों की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। समाधान, बच्चे विद्यालय ना छोड़ें उसके लिए उनके माता पिता को प्रेरित करना होगा और उन्हें समझाना होगा कि आज के युग में शिक्षा का क्या महत्व है। उपयुक्त बताए गए तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब अपने आसपास के स्कूलों का दौरा किया गया तो भली भांति इस बात से अवगत होना पड़ा कि प्रारंभिक शिक्षा को लेकर उनके समाधान को देखने के बाद यह तो तय है कि आज भी हमारे देश शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है। यदि इन सभी मुद्दों में सुधार किया जाए तो हम एक विकासशील देश की कल्पना कर सकते हैं। अंत में यह भी कहना उचित होगा कि शिक्षा में असुविधाएं लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म से संबंधित के कारण उत्पन्न होती है। तो यह जो था हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर था, जो 501 का कोर्स कोड, तो
एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोर्स को कंप्लीट कर ले यानी कि क्वेश्चन के आंसर, तो यहाँ पर आप देख देंगे यहाँ पर जो है कुछ पेजेस जो है यहाँ पर बच चुके हैं, इसके जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो इसका अंडरलाइनिंग को जरूर बंद कर दीजिएगा इस टाइप का साइन देकर, और यहाँ पर जो भी पेज बचेगा इसमें किसी प्रकार का कोई आंसर मत लिखिएगा। जब भी नया आंसर अगर लिखने का ज़रूरत हो तो हमेशा टॉप पेज का यूज़ कीजिएगा, फ्रंट पेज का यूज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का कुछ लिख देते, ऐसा करना आपके असाइनमेंट के लिए गलत हो सकता है। इसलिए जब कभी भी स्टार्ट करें तो हमेशा फ्रंट पेज टॉप पेज लेके ही स्टार्ट करें। तो इसका तीसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन अगर बता दिया जाए तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है वीडियो, जिसके कारण वन वीडियो में वन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका जो मैंने कोशिश किया आपको अपने तरीका से समझाने के लिए, हो सकता है यह वीडियो किसी को अच्छा लगा होगा तो किसी को बुरा लगा होगा, क्योंकि सबका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो आप क्या सोचते हैं हम नहीं पता है, और हम क्या सोचते आपको नहीं पता है। मैंने जो सोचा उसके हिसाब से ये असाइनमेंट का उत्तर दे दिया, तो आप अपने हिसाब से इस असाइनमेंट का उत्तर दे सकते हैं, या तो हमारे इस वीडियो को देखकर आप भी आंसर को लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन का सॉल्व के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और आप हमें जरूर कमेंट पर एक बार बताइए कि इसका अगला क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और हमें लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें उत्साह ज़्यादा होता है, उससे हमें लगता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बेनिफिट हो रहा है। आप आते हैं वीडियो देखते हैं बट लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, जिसके कारण हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो जिसके कारण वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बन पा रहा है। तो यदि आप हमें लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले दिन में, आने वाले सेमेस्टर में आपको हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का दूसरा चैनल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी चैनल में सारे चीज़ों का आपको सोल्यूशन के साथ, फुल डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।